हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आने वाले प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, उसके प्रॉब्लम को कैसे एक मिनट के अंदर में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं LMVT के बारे में, डैट मीन्स लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में। तो बहुत सारे बच्चे इस थ्योरम को रटते हैं, लेकिन इसको रटने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल ग्राफ से देखिए, ये थ्योरम क्या कहना चाहता है कि अगर आपने किसी कर्व पे दो पॉइंट लिया, डैट इज पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो इन दोनों पॉइंट को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। और उसका स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, एफ ऑफ बी डैट इज वाई टू माइनस एफ ऑफ ए डैट इज वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये तो आपको मालूम है, ये स्लोप हो गया। तो LMVT का ये कहना है कि ये स्लोप आप एग्जैक्टली फिर से फाइंड आउट कर सकते हो। ए और बी के बीच में एक वैल्यू सी आएगी, राइट, जहाँ पे आप एफ डैश एक्स निकालोगे तो उसका भी स्लोप वही होगा जो आपने इन दो पॉइंट को कनेक्ट करके निकाला है। ये कहना था LMVT का। और रॉलीज थ्योरम जो है वो इसी का एक स्पेशल केस हो गया। कैसे, ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है कि अगर ए और बी पे वैल्यू सेम है, किसी कर्व का ए और बी पे वैल्यू अगर सेम है, ये कंडीशन पहले फुलफिल होना चाहिए, तो आपको ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट सी मिलेगा जहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो होगा। तो वो यहाँ से भी दिख रहा है, ध्यान से देखो, अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम है तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला टर्म जीरो, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ए और बी के बीच में एक ऐसा वैल्यू सी आएगा जहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ कर्व से भी देख सकते हो। तो ये दो पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ ज्ञान की बात, और ज्ञान की बात में तीन पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझ लो। कहीं पे भी अगर ऐसा लिखा हो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इज मैक्सिमम या मिनिमम, तो ध्यान से देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो ऑलरेडी dy/dx हो गया, और फिर उसके मैक्सिमम या मिनिमम की बात कर रहा है, तो मतलब डबल डेरिवेटिव हो गया। तो फाइनली आपको d2y/dx² को जीरो करना है और वहाँ से x की वैल्यू निकालना है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, क्या अगर कहीं पे बोल रहा है कि कर्व इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, इसका मतलब दो जो कर्व हैं उन पे जो टेंजेंट ड्रॉ की जाएंगी वो परपेंडिकुलर होंगे, तो इस वर्ड का ये मतलब है कि टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। और पॉइंट नंबर थ्री, वैसे तो ये लिमिट का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स बाई जी एक्स, अगर जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, तो ऐसे केस में आपको अगर लिमिट निकालना है तो ऊपर वाले फंक्शन को अलग से डिफ्रेंशिएट कर लेना है, नीचे वाले फंक्शन को अलग से डिफ्रेंशिएट कर लेना है, और ये वैल्यू पुट कर करके आपको वो वाले पार्ट को निकाल लेना है जो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, डैट मीन्स जो जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी नहीं बन रहा है, तो उसको आप निकाल सकते हैं। इसीलिए क्लियरली मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अगर ये फॉर्म बन रहा है तो देन डिफ्रेंशिएट बोथ फंक्शन सेपरेटली, और जो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, डैट मीन्स इसमें वो वाला पार्ट जो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, तो ये वैल्यू पुट कर करके उसको बाहर निकाल लेना है, क्योंकि फर्दर उसको डिफ्रेंशिएट करने का मतलब नहीं है। तो इस पॉइंट का भी आप ध्यान रखेंगे। तो अब मैं इस पे बेस आपको प्रॉब्लम लेकर के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर वन में px एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, p ऑफ 2, p डैश 2 एंड p डबल डैश 2 गिवेन है, तो p ऑफ 1.001 बताना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि p ऑफ x क्या है, ax² + bx + c। क्यों, क्योंकि डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। तो यहाँ से ध्यान से देखो, अगर मैं p डैश x निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 2ax + b, और p डबल डैश x निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ 2a। यू नो पी डबल डैश 2 2 है, तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ p"(2)=2, तो यहाँ से ये 2a के बराबर है, तो यहाँ से a आ जाएगा आपका 1। वैसे ही अगर मैं p"(2) निकालूँ तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो p"(2) कितना, ध्यान से देखो, 0, तो 0=, यहाँ क्या आ जाएगा, a1 पुट कर दोगे तो 4+b, तो इसलिए यहाँ b क्या हो जाएगा, -4। और वैसे ही p(2) कितना है, -1, तो यहाँ से निकालेंगे तो c कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, 3। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो आ चुका है p(x), a की वैल्यू 1 पुट करो तो x²b - 4x + 3, राइट। अब हमें जो वैल्यू निकालना है वो p(1.001, तो p(1.001) को मैं कैसे ले सकता हूँ, p(1+0.001, राइट। तो यहाँ पे ऐसे बताने का मतलब यह है कि वी नो कि अगर मैं p-x लिखूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, p(x+h - p(x)/h, राइट, y2 - y1 / x2 - x1 से। तो अब यहां पे ध्यान से देखो, हमें जो वैल्यू निकालना है वो 1 के आसपास निकालना है, तो यहां पे मैं पुट करूंगा p-1, तो ये क्या हो जाएगा, p(1+0.001) - p(1), और h तो आपका हो गया 0.001। अब ध्यान से देखो, p-1 निकाल सकते हैं, राइट,
तो पी डैश वन यहाँ से कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, डैट इज आपका माइनस टू पुट कर देंगे क्योंकि आपको पी डैश एक्स मिल चुका है राइट यहाँ पे, और ये तो हमें निकालना ही था तो ये इसको ऐसे रहने दो 1.001। पी एफ वन ध्यान से देखो, वन पुट करोगे तो ये जीरो आ जाएगा डिवाइडेड बाई हेच, तो आपका 0.001 है ही, तो हमें निकालना था ये वैल्यू राइट, ऑब्वियसली बात है ये वैल्यू निकालना था, तो ये किसके बराबर हो गया ध्यान से देखो, माइनस में 0.002, डैट इज ऑप्शन बी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस तरीके से आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में, अगर एफ एक्स अल्फा पे मैक्सिमम वैल्यू कंटेंट करता है, जी एक्स बीटा पे मिनिमम वैल्यू कंटेंट करता है, तो ये लिमिट की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कब आ सकती है, चूंकि फाइव माइनस समथिंग है, तो ये जब सबसे मिनिमम होगा, और ये मिनिमम क्या हो सकता है, जीरो, क्योंकि मॉड है, तो एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो एक्चुअली एक्स इज इक्वल टू टू पे आएगी, डैट मीन्स अल्फा की वैल्यू क्या हो गया, टू राइट, तभी ये जीरो होगा। वैसे ही बीटा की मिनिमम वैल्यू कब हो सकती है, ये मॉड है, मॉड की मिनिमम वैल्यू कितना ले सकते हैं, जीरो, और जीरो कब आएगा, जब बीटा हो जाएगा माइनस वन राइट। तो हमें निकालना लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस ऑफ अल्फा बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा बीटा, और माइनस माइनस है तो ये टू हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, टू माइनस वन वन हो जाएगा, प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है, ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है। तो यही पॉइंट को हमने समझाने की कोशिश की, अगर ये नहीं कर रहा है तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो टू माइनस वन वन हो जाएगा राइट, और ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है, तो इसको ऊपर में डिफ्रेंशिएट कर लो तो ये क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस फाइव, और इसको नीचे में कर लो तो टू एक्स माइनस सिक्स, और उसके बाद फिर आप वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये मेरे कहने का मतलब है। तो आप जब वैल्यू पुट करेंगे एक्स की जगह टू, तो ये फोर माइनस फाइव माइनस वन आ जाएगा, और ये फोर माइनस सिक्स माइनस टू, तो ये कितना आ जाएगा, वन बाई टू, सो योर आंसर विल बी ए। तो इस तरीके से करना है, जब भी जो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा उसको बाहर निकालेंगे वैल्यू पुट कर करके, और जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में बना करके, ऊपर वाले को ऊपर डिफ्रेंशिएट करना है, नीचे वाले को नीचे, एल हॉस्पिटल रूल इसको बोलते हैं, और लगा देंगे, ईजिली आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री में, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इज मिनिमम। तो ध्यान से देखो, पहली बात तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, आप ही बताओ, डी वाई वाई डी एक्स राइट, और इसके मैक्सिमम या मिनिमम की बात कर रहा है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर, और इसको इक्वल टू जीरो पुट करना पड़ेगा। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी उस पर चेक करना पड़ेगा कि डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यू ग्रेटर देन जीरो आ रहा है कि नहीं, क्यों, क्योंकि मिनिमम की बात किया है। तो एक्चुअली कंसेप्ट तो ये है, तो सबसे पहले अगर फंक्शन को मैं चेक करूँ तो क्या है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स टू ऑफ साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू इंटू कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। तो ध्यान से देखो, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो इसको लिख सकता हूँ e टू दी पावर x साइन 2 थीटा, तो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x कॉस एक्स। तो फंक्शन आपका आ गया एक्चुअली में ये। अब हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, dy वाई बाई डी एक्स, तो y डैश क्या हो जाएगा, u इंटू वी रूल से e टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो ई टू दी पावर एक्स माइनस साइन एक्स। तो अगर ई टू दी पावर एक्स कॉमन लेंगे तो ये ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो ये आपका आ गया है डी वाई वाई डी एक्स। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, तो वाई डबल डैश इज इक्वल टू अगेन यू इन टू वी रूल, तो ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स, तो ये ऐसे हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और फिर प्लस e टू दी पावर एक्स एज इट इज रहेंगे, और इनका डेरिवेटिव, तो कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, और साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। अब ध्यान से देखो, अगेन इसमें e टू दी पावर एक्स कॉमन है, तो अगर मैं ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे राइट, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में टू साइन एक्स, तो इसीलिए क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस में टू e टू दी पावर एक्स साइन एक्स, और इसको इक्वल टू जीरो पुट करना है राइट। तो यहाँ से ये जीरो कब होगा, जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी साइन जीरो, क्योंकि हमें कहाँ से कहाँ तक मिलेना है, जीरो से टू पाई में, पाई होगा तो और टू पाई होगा तो। अब इनमें किस पे मैक्सिमम या मिनिमम होगा, तो आप वैल्यू पुट करके निकाल लो और देखो कौन सा मिनिमम है, वैसे भी कर सकते हो, या फिर एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अगर वाई ट्रिपल डैश निकालेंगे राइट, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये माइनस टू तो आपका
कॉमन ही रहेगा, अगेन यू इन टू वी रूल, तो ई टू द पावर एक्स और साइन एक्स का क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स, फिर प्लस ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, राइट। अब ये वैल्यू हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, तो जीरो पे पुट करो, ध्यान से देखो कॉस जीरो वन, लेकिन ये माइनस लगा हुआ है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, पाई पे ये माइनस वन और ये माइनस है पॉजिटिव हो जाएगा और ये जीरो, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू पाई पे इसकी क्या आने वाली है मिनिमम वैल्यू, तो वही पूछा था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ध्यान से देखो और समझो, बहुत ईजी है, इस तरीके से आपको थिंक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर फोर में वैल्यू ऑफ c एच पर रॉलीज थ्योरम बताना है, फंक्शन आपको गिवन है, तो सबसे पहले जीरो से टू पाई में फंक्शन है, तो फंक्शन की जीरो पे वैल्यू चेक करो, तो जीरो साइन जीरो जीरो कॉस जीरो वन, तो सिक्स प्लस वन सेवन हो गया। एफ ऑफ टू पाई पे वैल्यू चेक करो, तो यानी साइन टू पाई जीरो कॉस टू पाई वन, तो ये अगेन सेवन, और ये आना भी चाहिए। तो यही तो कहना था उसका रॉलीज थ्योरम का, कि अगर ए और बी, मान लो फंक्शन कुछ भी इस टाइप का हो, ए पे जो वैल्यू है और वही वैल्यू अगर बी पे, तो इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका स्लोप क्या है जीरो, तो इसीलिए आपको ए से बी में ऐसी एक मिनिमम वैल्यू जरूर मिलेगी जहाँ पे स्लोप आप निकालेंगे तो वो भी पैरेलल हो जाएगा, यही कहना था। तो उसका यही कहना था कि एफ डैश सी क्या होना चाहिए, यहाँ पे जीरो, हमें सी की वैल्यू बताना है, तो एफ डैश एक्स निकाल लो, क्या हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, राइट, सिक्स का तो जीरो हो जाएगा और ये एफ डैश एक्स शुड बी जीरो होना चाहिए कहाँ पे सी पे, तो यहाँ से निकाल लो, ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये कब हो सकता है जब एक्स क्या क्या हो सके पाई बाय फोर, क्योंकि जीरो से टू पाई में लेना और फाइव पाई बाय फोर, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका पाई बाय फोर एंड फाइव पाई बाय फोर, डैट इज ऑप्शन सी। तो ऐसा नहीं है टफ है, ये ग्राफ से बिल्कुल ईजिली समझना है, बहुत ईजी है ये। क्वेश्चन नंबर फाइव में इफ एक्स इजकल टू माइनस वन एक्स इजकल टू टू आर एक्सट्रीम पॉइंट, तो आपको बताना है अल्फा स्क्वायर प्लस टू बीटा। एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि इस पे एफ डैश एक्स जीरो होना चाहिए, राइट, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगा, तो सबसे पहले तो एफ डैश एक्स निकाल लूंगा मैं, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा ध्यान से देखो अल्फा बाई एक्स प्लस टू बीटा एक्स प्लस वन, राइट। अब यहाँ पे अगर एक्सट्रीम पॉइंट आ रहा है मैक्सिमा या मिनिमा, तो एफ डैश ऑफ माइनस वन क्या होना चाहिए जीरो, तो यहाँ पे एक्स की जगह माइनस वन पुट करूँगा, तो ध्यान से देखो माइनस अल्फा माइनस टू बीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इन दोनों को उस साइड ले जाएंगे तो अल्फा प्लस टू बीटा इज इक्वल टू वन, तो ये एक इक्वेशन आ गया। वैसे ही टू पे भी एक्सट्रीम पॉइंट आ रहा है, तो एफ डैश ऑफ टू भी क्या होना चाहिए जीरो, तो एक्स की जगह अगर टू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा बाई टू प्लस, यहाँ पे एक्स की जगह टू पुट करेंगे तो फोर बीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, टू से मल्टीप्लाई कर दो तो ये अल्फा प्लस एट बीटा उधर जाएगा तो इज इक्वल टू माइनस टू, और एक क्या है अल्फा प्लस टू बीटा इज इक्वल टू वन, अगर मैं इसको माइनस कर दूँ तो यहाँ ध्यान से देखो ये गया एट में से टू गया तो ये क्या हो गया सिक्स बीटा, और ये हो गया माइनस थ्री, तो बीटा क्या आ जाएगा आपका माइनस में वन बाई टू, अगर बीटा माइनस वन बाई टू हो गया तो यहाँ से ध्यान से देखो अल्फा क्या आ जाएगा टू, तो हमें निकालना अल्फा स्क्वायर, तो फोर प्लस टू और बीटा माइनस हाफ, तो ये क्या हो जाएगा फोर माइनस वन डैट इज थ्री, योर ऑप्शन विल बी बी। तो इस तरीके से करना है, कहीं पर अगर कोई चीज़ एक्सट्रीम पॉइंट है डैट मीन्स एफ डैश एक्स वहाँ पर जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स में वैल्यू ऑफ सी बताना है फॉर एल एम वी टी फॉर एफेक्स दिस, तो यू नो इसको समझाया था आपको कि वेरी सिंपल है ये इस टाइप से कोई कर्व होगा यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे ए पे वैल्यू मान लो कि एफ ऑफ ए हो गया और ये बी पे वैल्यू एफ ऑफ बी हो गया, तो एल एम वी टी का कहना बहुत सिंपल था कि अगर इन दोनों पॉइंट को अगर कनेक्ट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, इसका स्लोप इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसके पैरेलल हो जाएगा, डैट मीन्स इक्वल हो जाएगा, तो उसका वही कहना था कि एफ डैश ऑफ सी शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। अब यहाँ पे आपका ये जो हो गया वन वो आपका ए हो गया और ये जो फाइव हो गया वो बी हो गया, वन टू फाइव में आपको लेना है, राइट, तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखो एफ ऑफ फाइव माइनस एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1, और यही एफ डैश सी के बराबर होगा। एफ डैश एक्स यहाँ से ध्यान से देखो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट अंडर ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर का माइनस में 2x, तो ये हो गया एफ डैश एक्स, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा माइनस में सी बाई
रूट अंडर ऑफ 25 माइनस सी स्क्वायर राइट इज इक्वल टू एफ ऑफ 5। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस एफ ऑफ 1 रूट अंडर ऑफ 24 और 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। तो ये 0 माइनस तो माइनस ही रह जाएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा ध्यान से देखो 4c इज इक्वल टू रूट 24 इंटू 25 माइनस सी स्क्वायर। अगर दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं तो ये 16c स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस सी स्क्वायर राइट। तो ये क्या हो जाएगा ध्यान से देखो 16c स्क्वायर ये 24 माइनस सी स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस में 24c स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 25। अब ये 16 प्लस 24 कितना हो गया राइट 40c स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 25। तो यहाँ से सी स्क्वायर 24 बाई 40, तो ये 5 द ये 5 8 द ये 8 1 द ये 8 3 द तो ये 3 15, तो सी स्क्वायर 15 के बराबर है, इसलिए c क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ 15। बट हमें जो c लेना है वो a से b के बीच में होगा, 1 से 5 के बीच में प्लस वाला आएगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा a। तो ये है LMVT डैट इज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का कंसेप्ट, बहुत सिंपल है, ग्राफिकली आपको समझ लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 में इफ कर्व दिस एंड दिस इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली देन वैल्यू ऑफ b। तो जब दो कर्व ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे डैट मीन्स उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन होना चाहिए, क्यों, क्योंकि उन दोनों के टेंजेंट जो होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे राइट। तो वेरी सिंपल, तो इसका पहले मैं स्लोप निकाल लेता हूँ डैट इज dy/dx। तो ये कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो 2y(y′)=6, तो यहाँ से y डैश क्या हो जाएगा 6/2y ये आ गया। वैसे ही इस कर्व के लिए क्या हो जाएगा 18x+2by(y′)=0 राइट। तो यहाँ से y डैश क्या आ गया ध्यान से देखो माइनस में 18x/2by राइट। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए माइनस वन, क्यों, क्योंकि ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं डेट मीन्स इन दोनों के जो टेंजेंट होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ से कर दो 6/2y इंटू माइनस में 18x/2by शुड बी इक्वल टू वॉट माइनस वन। तो यहाँ से ध्यान से देखो 2 3 द और ये 2 9 द राइट। तो यहाँ से कितना आ गया ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 27x/2 ये हो जाएगा by² इज इक्वल टू 1। अब y² इज इक्वल टू यहाँ से ध्यान से देखो क्या है 6x, तो पुट कर सकता हूँ मैं, तो ये क्या आ जाएगा 27x/b y² की जगह 6x पुट कर दिया राइट, और इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1। तो ये x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देख सकते हो 3 2 6 और 3 9 27। तो यहाँ से b कितना आ गया आपका 9/2 राइट। तो वेरी सिंपल, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे डी। तो इस तरीके से आपको थिंक करना है। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको समझ में आया होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम करने का कोई मतलब नहीं है, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, एक बार कंसेप्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो अपने आप सारे प्रॉब्लम आपसे इजीली होंगे। थैंक यू।